नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। सोमवार को अनिल देशमुख के निवास स्थान पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की प्रमुख उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर की ओर से स्वास्थ्य मंत्री टोपे का सत्कार किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमेश बंग, युवा नेता सलील देशमुख, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, तमाम प्रदेश पदाधिकारी, शहर पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने मनपा चुनाव के मद्देनजर राकापा पदाधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए। सोमवार को नागपुर शहर के दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मेंटल हॉस्पिटल पागलखाना चौक स्थित अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती मरीजों का हाल पूछा और डॉक्टरों से मरीजों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में रिक्त पदों पर जल्द से जल्द स्टाफ नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टाफ के समक्ष मरीजों की सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने जिला ग्रामीण अस्पताल का काम जल्द से जल्द पूर्ण करवाकर अस्पताल को सभी सुविधाओं से लैस करवाने की मांग स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी। इस पर टोपे ने संबंधित अधिकारियों को 2 महीने के भीतर अस्पताल का काम पूरा करवा के नागरिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, सलील देशमुख, शैलेंद्र तिवारी, रिजवान अंसारी, राजा बेग, राजेश पाटिल, मिलिंद वाचनेकर, अश्विन जवेरी, वसीम लाला, प्रशांत बनकर, नंदू माटे, आकाश चिमनकर समेत कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कड़ा रुख लेते ही राज्य चुनाव आयोग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हो गया है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में कुछ देरी होने के कारण चुनाव अक्टूबर के बाद होने की संभावना जताई जा रही थी, किंतु अब प्रक्रिया में प्रभाग रचना की अंतिम घोषणा के बाद आरक्षण की लॉटरी निकालने की तारीख भी निश्चित की गई है। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 31 मई को आरक्षण की लॉटरी निकाली जानी है। इसके लिए अब मनपा आयुक्त की ओर से स्थान और समय सुनिश्चित किया जाना है। सूत्रों के अनुसार आरक्षण की लॉटरी आम जनता के समक्ष निकालना जरूरी होता है, इसलिए इसमें कई लोगों के शामिल होने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए मनपा के सुरेश भट्ट सभागृह में आरक्षण की लॉटरी होने की संभावना है। सोमवार को दोपहर में अचानक आरक्षण की लॉटरी की तारीख की खबर आग की तरह फैल गई। इस वजह से न केवल राजनीतिक दल बल्कि इच्छुक कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए। जानकारों के अनुसार जहां महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के अलावा 43 सीटों पर आरक्षित वर्ग की सीटों का आरक्षण निर्धारित करना है, वहीं इन आरक्षित वर्ग में भी आधी सीटें महिला प्रत्याशियों के लिए आरक्षित करनी है। राष्ट्रसंत टुकड़ेजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 190वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 25 मई को रेशमबाग स्थित सूरज भट्ट सभागृह में सुबह 10 बजे से किया गया है। समारोह में 67,000 स्नातक, 11,000 स्नातकोत्तर एवं 531 विद्यार्थियों को PhD प्रदान की जाएगी। डॉक्टर दयाराम लालवानी को मानव विज्ञान शाखा में D.Lit की उपाधि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी करेंगे। उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत प्रमुख अतिथि होंगे। समारोह में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधि महाविद्यालय के BA LLB की अपराजिता अरुण कुमार गुप्ता को सर्वाधिक 8 स्वर्ण व 2 पुरस्कार सहित कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। GH रायसोनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की MBA की छात्रा आरजू बंगला को 7 स्वर्ण, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की MSc रसायन शास्त्र की निधि अमर शाहू को 4 स्वर्ण व 1 रजत, मधुकर राव वासनिक महाविद्यालय की शुभांगी धारगावे को 4 स्वर्ण व 1 पारितोषिक, विश्वविद्यालय के अम्बेडकर विचारधारा विभाग की श्रेया नंदागौली को 4 स्वर्ण व 1 पारितोषिक, विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग की छात्रा रूपाली हिवसे को 4 स्वर्ण व 1 पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों को बोगस बीज बेचकर धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वे जिला परिषद सभागृह में आयोजित खरीफ समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, CEO योगेश कुंभेजकर सहित सभी सभापति व अधिकारी उपस्थित थे। जिले के ऐसे किसानों की सूची तैयार कर संबंधित अधिकारियों को भेजने के निर्देश भी दिए। जिन्हें अब तक नुकसान भरपाई नहीं मिली है उन्हें 1 महीने के भीतर भरपाई देने की बात उन्होंने कही। कपास, सोयाबीन के साथ ही मक्का
व ज्वारी का रकबा बढ़ाने पर भी किसानों को जोर देने की अपील उन्होंने की। साथ ही इस संदर्भ में नियोजन कर ग्रामीण भागों में पत्रक वितरण करने का निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिया। बोगस बीज बेचने वाले कृषि केंद्रों पर छापामार कार्रवाई का निर्देश भी उन्होंने दिया। खाद व कीटनाशक की कमी नहीं हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि निधि की कमी नहीं होने देंगे। जमीन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सेंद्रीय खाद का उपयोग करने के संदर्भ में खेतों पर जाकर किसानों का मार्गदर्शन करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड 19 की चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है। टोपे ने शहर में संवाददाताओं से कहा कि राज्य में रोजाना करीब 200 से 250 मामले सामने आ रहे हैं और नए मामलों की संख्या में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। मंत्री ने कहा कोविड 19 से ठीक होने की दर बेहतर है और महाराष्ट्र में टीकाकरण के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति में संक्रमण की चौथी लहर की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में रविवार को कोविड 19 के 326 मामले आए थे जिससे संक्रमितों की संख्या 78,83,000 हो गई थी, जबकि संक्रमण से किसी की मृत्यु नहीं होने से मृतक संख्या 1,48,000 बनी रही थी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 251 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिससे राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,000 हो गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या सभी के लिए कोविड 19 रोधी टीके का एहतियाती खुराक अनिवार्य है, टोपे ने कहा कि कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य और अग्रिम मोर्चा के कर्मचारियों, आवश्यक सेवा के कर्मियों और वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एहतियाती खुराक दी जा रही है। महापारेषण कंपनी की ओर से 132 केवी के मंसर सबस्टेशन की देखभाल और दुरुस्ती का काम किया जा रहा है। बिजली विभाग की ओर से होने वाली आपूर्ति बुधवार की सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगी। 3 घंटे तक रहने वाली लोड शेडिंग के कारण नवेगांव खैरी पंपिंग स्टेशन से गोदनी पेच जल शुद्धिकरण केंद्र तक पानी की जलापूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे गोदनी जल शुद्धिकरण 3 घंटे तक बंद रखना होगा। शटर डाउन के चलते आसी नगर, लक्ष्मी नगर, धर्मपेट, हनुमान नगर और नेहरू नगर जोन की 8 टंकियों से जलापूर्ति बाधित रहने की जानकारी मनपा ने दी। आसी नगर जोन अंतर्गत नारा नारी टंकी, धर्मपेट जोन अंतर्गत धंतोली टंकी, लक्ष्मी नगर जोन अंतर्गत लक्ष्मी नगर टंकी, नालंदा नगर, श्रीनगर, ओंकार नगर, मालगी नगर, हुड़केश्वर और नरसाला गांव में बुधवार को जलापूर्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र की 6 सीटों पर आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए संभाजीराजे छत्रपति का समर्थन करने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, हम संभाजीराजे का सम्मान करते हैं और उनका समर्थन करने के संबंध में अंतिम निर्णय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात मिलकर लेंगे। महाराष्ट्र के 6 राज्यसभा सदस्य भाजपा के पीयूष गोयल, विनय सहस्त्रबुद्धे और विकास महात्मे, कांग्रेस के पी चिदम्बरम, रांकापा के प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना के संजय राउत का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव 10 जून को होने हैं। भाजपा अपने विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा की 2 सीटें जीत सकती है, जबकि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना, कांग्रेस और रांकापा एक एक सीट जीत सकती है, इसलिए मुकाबला 6ठी सीट के लिए होगा। कोल्हापुर शाही परिवार के सदस्य और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे पहले संसद के उच्च सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य थे। उन्होंने हाल में घोषणा की कि वह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए अगला चुनाव लड़ेंगे और सभी दलों से उनका समर्थन करने की अपील की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का जिस दिन फैसला किया उसके दूसरे दिन से ही लोगों को पेट्रोल 9.08 रुपए सस्ता होकर 111.06 रुपए व डीजल 7.31 रुपए घटकर 95.57 रुपए प्रति लीटर मिला। इससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन इसके दूसरे दिन ही राज्य सरकार ने भी वैट की कटौती की घोषणा कर पेट्रोल पर 2.08 रुपए और डीजल पर 1.44 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। इस घोषणा के बाद लोगों को लगा कि चलो पेट्रोल और डीजल से और अधिक राहत मिलेगी। जब वे घोषणा के दूसरे दिन पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो उन्हें पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई गिरावट नजर नहीं आई। इस कारण लोगों और शहर के कई पेट्रोल पंप वालों के बीच में दिन भर तनाव का माहौल नजर आया। भाव में किसी तरह की कटौती नहीं होने से लोगों का गुस्सा पेट्रोल पंप वालों को सहना पड़ा। घोषणा के बाद भाव कम नहीं होने का गुस्सा लोगों ने पेट्रोल पंप वालों पर निकाला और इसके लिए पंप संचालकों को ही दोषी ठहराया। नागपुर महानगरपालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है।
साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को दो प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और ₹10,000 का जुर्माना वसूल किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में गांधीबाग जोन के NDS सदस्य ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के संदर्भ में कार्रवाई की। गांधीबाग जोन के अंतर्गत पेटा कॉलोनी में रूबीना प्लास्टिक और टेलीफोन एक्सचेंज चौक में गोपाल प्लास्टिक दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और ₹10,000 का जुर्माना वसूला गया। यह कार्रवाई उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राकापा नेता अनिल देशमुख के विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए निधि की कमी नहीं होने देंगे। काटोल नरखेड़ में विकास कार्यों के लिए निधि की कमी नहीं होगी। टोपे को बताया कि काटोल तहसील के भोरगढ़ व झिल्पा में PHC की इमारत का काम 90% पूरा हो गया है। स्टाफ की भर्ती की मांग की गई, इस पर जल्द ही निर्णय लेने का आश्वासन टोपे ने दिया। डायलिसिस व सीटी स्कैन सेंटर की मांग भी की गई। सभी PHC में रिक्त पद भरने की मांग बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने की। टोपे ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा मजबूत करने का कार्य जोरों पर है। तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय निर्माण के लिए ₹1 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नरखेड़ के लोहारी सावंगा व काटोल के मेट पांजरा में नया PHC मंजूर करने की मांग भी की गई। अंजुमन हाईस्कूल महल की प्रधानाचार्य नाजरा पटेल को महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी की ओर से आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर उनका सत्कार किया गया। टेकानाका स्थित रोशन हाईस्कूल के प्रांगण में यह सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोशन हाईस्कूल की मुख्य अध्यापिका इशरत जमाल ने नाजरा पटेल का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। इस अवसर पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर नाजरा पटेल ने कहा कि अध्यापन एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जिसके जरिए आप समाज में एक बदलाव ला सकते हैं। शैक्षणिक क्रांति से ही किसी भी समाज का उत्थान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस सम्मान एवं सत्कार से उनका मनोबल बढ़ा है और अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए उन्हें प्रेरणा मिली है। कार्यक्रम में अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। उत्तर नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्लॉक 15 में प्रभाग 4 के अध्यक्ष राजेश कुहाड़ ने विनोबा भावे नगर गांधी चौक में शोक सभा का आयोजन किया। शोक सभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई का निधन होने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 15 के अध्यक्ष मूलचंद मेहर, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नागपुर विभागीय उपाध्यक्ष अहमद खान, नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की शहर उपाध्यक्ष शायदा खान, शेख शहाबुद्दीन, नामदेवराव धोतरकर, आहत खान, मकसूद पटेल, नारायण मोथरकर, दशरथ मालविया, विलास बारसकर, रोशन वंजारी, विनायक सपाते, अंगेश्वर देवांगन, सुशील बांगड़े एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी तथा कार्यकर्तागण उपस्थित थे। सभी ने हुसैन दलवाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही में डॉक्टर विनायक रोडगे, डॉक्टर आश्लेषा रोडगे और लुम्बिनी बुद्ध विहार समिति के संयुक्त तत्वावधान से सुभाष वार्ड बेला स्थित लुम्बिनी बुद्ध विहार में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट एवं न्यूरोकेयर हॉस्पिटल भंडारा के संचालक डॉक्टर विनायक रोडगे, बाल रोग व नवजात शिशु विशेषज्ञ किड्स केयर हॉस्पिटल भंडारा की संचालिका डॉक्टर आश्लेषा रोडगे, अखिनवार नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश पशिने और दंतरोग शल्य चिकित्सक डॉक्टर पूनम पशिने ने रोगियों की जांच कर सेवा प्रदान की। शिविर का लाभ परिसर के 200 से अधिक नागरिकों ने लिया। इस अवसर पर लुम्बिनी बुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष सुखदेव भिवगड़े, भास्कर गजभिये, सखाराम राउत, अनूप बागड़े, मयूर कांबले, चेतन उके, देवदास कांबले, रंजीत वासनिक, अमित वासनिक और अमल भिवगड़े उपस्थित थे। BASF द्वारा एक्सपोन्स कीटकनाशक को लॉन्च किया जा रहा है और इस पेस्टिसाइड के जरिए देश भर में किसान अपनी फसलों की भलीभांति रक्षा कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकेंगे। इस अग्रणी समाधान में BASF का नया सक्रिय संघटक ब्रोफ्लानिलाइड एक विशेष फॉर्मुलेशन में है। एक्सपोनस एक नए तरीके से प्रमुख कीटों के नियंत्रण के लिए कार्रवाई करते हुए एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में किसानों को विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने और मौजूदा प्रतिरोध को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली, त्वरित और बहुमुखी साधन देता है। एक्सपोनस को कैटरपिलर और थ्रिप जैसे महत्वपूर्ण कीटों को नियंत्रित करने के लिए तिलहन, दलहन और सब्जियों की श्रेणी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों पर उपयोग के लिए पंजीकृत किया गया है। हाल ही में BASF इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नारायण कृष्ण मोहन ने इस बारे में कहा कि भारत में किसानों को अब फसल सुरक्षा में हमारे नवीनतम नवाचारों का फायदा मिलेगा।
खेती धरती पर किया जाने वाला सबसे बड़ा काम है। BASF में हम किसानों की जरूरतों को समझने के लिए, उनकी बात सुनने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित है। सीताबर्डी में 150 वर्ष पुरानी राजाराम दीक्षित पुस्तकालय में ग्रंथोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बाजार में आई नई किताबों में हिंदी, मराठी, अंग्रेजी भाषाओं के सुप्रसिद्ध लेखकों तथा कवियों द्वारा रचित पुस्तकों का समावेश रहा। पुस्तक प्रेमियों ने इस उत्सव में बढ़ चढ़कर उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर ग्रंथपाल मीनाक्षी मलकानी ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट के समय में भी पुस्तक प्रेमियों का रुझान पुस्तकों से कम नहीं हुआ है। पाठक जन तीनों भाषाओं में उपन्यास, मोटिवेशनल साहित्य और आत्मकथाओं को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कोरोना काल में भी पुस्तक प्रेमियों ने ग्रंथालय की सदस्यता बढ़ चढ़ कर ली है। उत्सव के सफलतार्थ पुस्तकालय के वरिष्ठ संचालकों के साथ ही कर्मचारियों ने प्रयास किया व अल्पाहार का लाभ लिया। ICAI के WIRC की नागपुर शाखा ने हाल ही में शेयरों और डेरिवेटिव्स के कराधान पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष CA मिलिंद पटेल ने मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महावीर अटल सत्र के अध्यक्ष थे CA मिलिंद पटेल। पूर्व अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में नागपुर शाखा को उपयुक्त समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगोष्ठी की मेजबानी करने के लिए बधाई दी। उन्होंने आगे प्रमुख आंकड़े साझा किए कि 31 मार्च 2022 तक देश में लगभग 9 करोड़ डीमैट खाते हैं और आयकर दाखिल करने वालों की संख्या लगभग 7 करोड़ है। यह हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पर लाता है कि आयकर फाइल करने वालों की तुलना में अधिक डीमैट खाता धारक है और आने वाले दिनों में निवेश और व्यापारिक गतिविधियों में पर्याप्त वृद्धि होगी, जिसके कारण ऐसे सभी लेनदेन को आयकर रूपों में पर्याप्त रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। किसी भी देश की उन्नति के लिए विदेशी निवेश और पर्यटन बहुत जरूरी होता है। इनसे उसकी आर्थिक स्थिति को बल मिलता है। यदि देश में शांति व्यवस्था ना हो, आपस में प्रेम और सद्भावना का वातावरण ना हो, तो कोई भी विदेशी निवेश हमारे देश में आना संभव नहीं। पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ तभी होगा जब यहाँ के पर्यटक स्थल सुरक्षित होंगे। दूसरी ओर देश के विकास के लिए शांति नितांत आवश्यक है और पत्रकार देश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उनकी कलम से निकले भाईचारा, सौहार्द और सद्भावना के शब्द समाज में शांति का ध्वजवाहक बन सकते हैं और इससे तमाम फासलों का अंत हो सकता है। मीडिया की इस दिशा में काम करने से देश में फैली नफरत को मिटाया जा सकता है। शांति का माहौल ही देश की प्रगति में सहायक बन सकता है। देश की स्थिति को सुधारने में एक दूसरे की मदद करना अत्यंत आवश्यक है। पक्षपात के बिना सच्चाई को सामने लाने की कोशिश ही सच्ची देशभक्ति है। इस आशय के विचार जमाते इस्लामी हिंद की महाराष्ट्र मीडिया कोर कमेटी सदस्य और शहर अध्यक्षा सबिया खान ने ईद मिलन कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण में व्यक्त किए। मध्य रेलवे ने गर्मी के मौसम में अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए काजीपेट और दादर के बीच 10 साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिनका विवरण इस प्रकार है। दादर काजीपेट साप्ताहिक स्पेशल वाया मनमाड़, नांदेड़, आदिलाबाद, चंद्रपुर, बल्लारशाह 10 सेवाएं। गाड़ी नंबर 07197 स्पेशल ट्रेन 28 मई 2022 से 25 जून 2022 तक प्रत्येक शनिवार को काजीपेट से सुबह 11:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 1:30 बजे दादर पहुंचेगी। गाड़ी नंबर 07198 स्पेशल ट्रेन 29 मई 2022 से 26 जून 2022 तक प्रत्येक रविवार को दादर से रात को 9:45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात को 12:45 बजे काजीपेट पहुंचेगी। ठहराव में जम्मी कुंटा, पेदापल्ली, मंचेरियल, बेलमपल्ली, सिरपुर, कागजनगर, बल्लारशाह, चंद्रपुर, भांदक, वानी, कायर, लिंगटी, पिंपलखुटी, आदिलाबाद, किनवट, हिमायतनगर, भोकर, मुदखेड़, नांदेड़, पूर्णा, परभणी, जालना, औरंगाबाद, लासूर, रोटेगांव, नागरसोल, मनमाड़, नाशिक रोड, कल्याण और ठाणे का समावेश होगा। गाड़ी के कोच संरचना की यदि बात करें तो इसमें 2 AC 2 टायर, 3 AC 3 टायर, 6 शयनयान श्रेणी कोचेस, 6 सामान्य द्वितीय श्रेणी कोचेस होंगे, जिसमें 2 गार्ड ब्रेक वैन का भी समावेश होगा। यात्री सभी कंप्यूटरीकृत केंद्रों पर जाकर और वेबसाइट www.irctc.co.in के जरिए आरक्षण कर सकते हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।